मैंने एक बंदे के साथ नमाज पढ़ी ना, तो मैं बड़ा वो हैरान हूँ। वो जो हम जाते हैं ना रुकू में और सजदे में, तो वो आपसे सुन में दूसरे भी भेजता था। तो मुझे ये समझ, ये क्या सही तरीका है, ये क्या? नहीं, इसका कोई हल नहीं। ये हजरत इमाम दारुल सादिक फरमाते हैं ना, रुकू और सजदे में अगर आदमी जरूरी पड़ेगा तो उसका रुकू और सजदा जो है ना, वो 10 गुना उसका सब बढ़ जाएगा। क्योंकि अच्छा अल्लाह के रसूल पर दुरूद तो हर हाल में मतलूब है। फहद भाई, ये तो आपने बहुत जोर दिया ना, इतनी बड़ी नेकी है, गुनाह माफ होते हैं, नेकियां लिखी जाती। तो ये यानी कि पढ़ना सही है। आप पता नहीं पढ़ अल्लाह लेना, ताला के लिए नमाज पढ़े उतने पता नहीं चले। अच्छा नमाज कोई छुई मुई नहीं कि उसमें ये ना पढ़ा जाए, ये ना, बस अल्लाह से नहीं हटना। जो करना ना, दुआएं जिक्र वगैरह सब उसी से रहे, फिर खैर ही खैर है, जो जी चाहे करता रहे। वैसे ये यानी कि लॉजिक सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला के यहाँ, तो फिर हाँ, पढ़े ना दुआ कर बिल्कुल। रहा, हाँ बिल्कुल दुआ कर। सही है।